प्रख्यात समाजवादी और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा स्थापित लोक शक्ति पार्टी का गुरुवार को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में विलय हो गया। पार्टी पुरानी है लेकिन लोग धीरे धीरे समाजवादी धाराओं से दूर जा रहे हैं, तो उस वजह से हमारे लोग कम होते जा रहे हैं। और अब हमारी स्थिति यह है कि हमारे साथ कोई बड़ा लीडर न होने की वजह से हम इसको चला नहीं पा रहे हैं। और देश की जो मौजूदा हालात हैं उसमें समाजवाद और जनता परिवार को एक होने की आवश्यकता आन पड़ी है। और अब इस वक्त जनता परिवार अगर एक होता है तो हमें इससे सबसे बड़ी खुशी थी। हम भी जनता परिवार के सदस्य रहे, लोक शक्ति पार्टी हमारी जनता परिवार का सदस्य थी, इसलिए हम श्री रामविलास पासवान जी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए और श्रीमान पशुपति कुमार पारस जी को और अधिक मजबूत करने के लिए, देश में इनकी मजबूत स्थिति देश को और आगे ले जाएगी, ये हमने विचार करके इसके अंदर विलय करने का निर्णय हमारी पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अंदर मार्च के महीने में लिया था, जिसका हमने पत्र महोदय को सौंपा था। ज्वाइन किया हमारे साथ लोक शक्ति अपनी पार्टी, हमारे साथ विलय हो गई राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय पशुपति पारस जी के नेतृत्व में ये साथ में हमारे साथ में आज पार्टी में ज्वाइन किया। इनका हम पार्टी पूरे पार्टी की तरफ से सभी विंगों की तरफ से स्वागत कर रहे हैं और आशा करते हैं कि ये पार्टी की मजबूती के लिए दिन दुगनी और रात चुगनी काम करेंगे और अच्छे तरीके से ग्राउंड जीरो पर पार्टी की जो स्थिति है, शेप है, जो स्ट्रांग हो रही है डे बाई डे, और स्ट्रांग करेंगे और मजबूत करेंगे। पार्टी पूरे देश में काम कर रही है। दिल्ली तो हमारा कैपिटल है, दिल्ली तो बेस है, पूरे देश का कैपिटल है। हमारी पार्टी का भी यहाँ पर मेन हेड ऑफिस है, इसलिए जो भी काम होता है दिल्ली के माध्यम से हो रहा है, लेकिन पूरे देश में पार्टी का जनाधार बहुत अच्छा है। पार्टी के पास आज भी 29 के 29 स्टेटों में इंक्लूडिंग 4 यूटीज में सब जगह डिस्ट्रिक्ट बॉडीज बनी है, मतलब स्टेट प्रेसिडेंटों के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल तक बॉडी बनी है। उनको और मजबूत करने के लिए राजेश शर्मा जी भी हमारे साथ में काम। आज हमने लोक शक्ति पार्टी जो कि रामकृष्ण हेगड़े जी ने 1997 में बनाई थी, उसका विलय विधिवत रूप से माननीय श्री पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में पूर्ण रूप से हमारे साथ में सही पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से आज हमने विलय कर दिया। पार्टी थी 1997 में, उन्होंने पार्टी का गठन किया था जनशक्ति पार्टी, और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे राजेश शर्मा जी हैं, और इनको हमारे दल के प्रति, हमारे नेता के प्रति आस्था है। इन्होंने आज 2 महीना से ये प्रयास किए थे कि हम पार्टी का विलय करना चाहते हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में, और आज इनके पार्टी का विधिवत विलय हो गया। इन्होंने हमारी पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की, आज से इस परिवार के ये सक्रिय सदस्य बने।